सो हम लोग आ गए हैं रूम पे. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले आप लोगों को ब्रेकफास्ट करने गए थे. ब्रेकफास्ट कर लिया, मतलब थोड़े बहुत ऑप्शंस थे तो उसी में से हमने खा लिया जो भी हमें खाना था. क्रोसों वगैरह, फ्रेंच टोस्ट, जूस, कॉफी, सब कुछ खा पी लिया. अब रूम में आ गए. अब रूम में हमारा सीन ये है कि आज रिलैक्सिंग डे है क्योंकि कल की हमारी फ्लाइट है. सो आज ज्यादा कुछ हम लोग भाग दौड़ नहीं करेंगे. अभी हो सकता है शायद मैं जिम जाऊं और साक्षी स्पा कराने जाए, या मैं जब जिम से आ जाऊं तो हम दोनों साथ में स्पा कराने जाए, या मैं जिम जाऊं ही ना और सिर्फ हम स्पा कराने जाए, तो कुछ भी हो सकता है. और बाकी शाम में जाएंगे ऐसे थोड़ा बहुत मार्केट घूमने. बस ऐसे ही चलेगा आज का दिन, थोड़ा रिलैक्सिंग बोरिंग. और साक्षी यहाँ पे कर रही है फाइल्स ट्रांसफर, जो भी उसके फोन में व्लॉग से रिलेटेड फाइल्स है वो ट्रांसफर कर रही है. कल का दिन भी सही था. हम गए थे चायबा इंडियन स्ट्रीट किचन एंड बार में. तो खाना तो उसका देखो, हमने मंगाया था बटर चिकन और नान वगैरह. तो खाना तो उसका बहुत सही था, बट क्वांटिटी थोड़ी सी हमें कम लगी थी, मतलब साक्षी को कम लगी ग्रेवी की क्वांटिटी. तो उसने उनसे पूछा कि एक्स्ट्रा ग्रेवी मिल सकती है, तो उन्होंने बोलते ग्रेवी तो एक्स्ट्रा मिलती नहीं क्योंकि वो एक पोर्शन के हिसाब से रेडी करते हैं आइटम को. तो हम लोगों ने एक और बटर चिकन मंगा लिया, मतलब एक ऑलरेडी एक प्लेट जो दो लोगों के लिए बहुत सफिशियंट था वो हमने खा लिया. उसके बाद एक और बटर चिकन मंगा लिया, और वो जो बटर चिकन खाया जब मैंने, और उसके अलावा मैंने एक बटर नान भी मंगा लिया कि मैं चल इस बटर चिकन के साथ खा लूंगा. पहली बार तो हमसे वो खाया नहीं गया. उसके बाद जो वापस होटल आके मुझे वॉशरूम भागना पड़ा. ये तो लड़की सो गई, ये तो सो गई गधे घोड़े क्या बोलते हैं उसको, बेच के गधे घोड़े बेच के सो गई. और मेरे को जो लगी है आते ही, मैं जैसी बेड पे लेटा हूँ और मेरे पेट पे ऐसे गुड़ 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 गुड़, और वो अभी तक चल रहा है. मतलब अभी हम ब्रेकफास्ट करके आए, मैं फिर भी वॉशरूम भागा हूँ इसके बाद भी. तो नॉर्थ फ्लॉक्स, मतलब वो लूज मोशन थोड़ी है, वो तो इतना ज्यादा आदत नहीं है ना खाने की कि इतना ज्यादा अंदर पेट में चला गया कि वो इतना कुछ ठूस नहीं रहे. हाँ ठूस नहीं. हम लोग एक्चुअली दो मील्स ही खाते, ज्यादा नहीं खाते, बट कल वाली जो मील थी वो आई थिंक मेरे लिए दो तीन मील्स के बराबर थी. तो इस चक्कर में मेरे पेट में गुड़गुड़ हो गई. बाकी बस अब थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स करते हैं और फिर प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है. A few minutes later. Okay, so मैं आ गया हूँ जिम. ऐसा कुछ जिम है बहुत सही है, इतनी ट्रेडमिल्स, इतने वो, और प्लस डंबल्स, मशीन्स तो भाई इतनी जितनी मैंने दिल्ली में कहीं नहीं देखी. सो यहाँ पे ये सारी मशीन्स हैं, ये सारी ट्रेडमिल्स हैं, और मशीन्स तो बहुत हैं, सारे लोहे के वेट्स हैं. अब बहुत मस्त जिम है. सो आपने इससे पहले वाली क्लिप्स पे देख ही लिया होगा कि मैं जिम गया था. जिम करके फटाफट थोड़ी बहुत एक आधा क्लिप्स बनाई मैंने जिम के अंदर, और फिर अपना एक्सरसाइज करके बहुत दिनों बाद आज आई थिंक मैंने 10-15 दिन बाद वर्कआउट करा. तो थोड़ा ऐसे वहां पे एकदम से हो गया था कि उल्टी आने वाली है क्योंकि पानी वानी भी नहीं ले गया था मैं, पानी ले जाना भूल गया था. तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करी अपना, मतलब ऐसे मिक्सड एक्सरसाइजेस करी मैंने, और फिर उसके बाद मैं वहां से आ गया. अभी घर आया हूँ, मतलब सॉरी अभी होटल आया हूँ और नहाया हुआ है. हवा में बहुत तेज भूख लग रही है साक्षी मुझे, तो हम जा रहे हैं कहीं यहाँ सेमिनियाक में ही बीच साइड ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो वहां बैठने जा रहे हैं. क्योंकि अभी मैं जब जिम जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा था, बड़े सही से लग रहे थे. सो वहां जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है और कैसा है और कितनी दूर है हमारे होटल से. A few minutes later. ओके सो ये है सामने सेमिनियाक बीच, और हम आए हैं चेज गाडो गाडो में. तो ये कुछ ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है, और साक्षी बैठी हुई आराम से मस्त. हेलो. सो टुडे इज आवर लास्ट डे, लास्ट डे इन बाली, और हम लोग बैठे हैं कितनी मस्त सीट में. मतलब यहाँ पे हमारा बैठने की जगह और सामने पूरा बीच है, बीच व्यू रेस्टोरेंट जो कि साक्षी बोल रही थी बैठने में, है ना. और वाइब बहुत मस्त है. बाकी अब देखते हैं खाने पीने में क्या है यहाँ पे. अच्छा अब चिल करते हैं थोड़ी देर, यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से खाना वाना खा के उठेंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने जाएंगे. चलो सी यू. ओके सो हमने ये ऑर्डर करा है, एक डाइट कोक मैंने अपने लिए, एक मोहितो मैंने अपने लिए, एक सांगरिया साक्षी ने अपने लिए. तो साक्षी की एक ड्रिंक है और मेरी दो ड्रिंक्स हैं, और साक्षी इंस्टाग्राम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने में बिजी है. मैंने भी एक इंस्टाग्राम पे पिक्चर क्लिक करी है. तो हमें क्या करना है? So guys, you need to follow us on Instagram, साक्षी सबरवाल. मेरा आईडी है अंशुम कंचु सिजवाल. नहीं सिजवाल अंशुम. सिजवाल अंशुम. ओके दिस इज माय सांगरिया. रेड वाइन. Refreshing? Yes. You want to try it? Actually, nice. ठीक है, मेरी बेटर है. सब साक्षी को मैं करवा रहा हूँ ट्राई मोहितो. ये रिफ्रेशिंग है, ये रिफ्रेशिंग जैसी ड्रिंक होती है ना वैसी है वो. तो नॉर्मल सांगरिया वैसी है ना. सो बस ये देखो आप हमारा व्यू. आर व्यू इज बेटर देन योर्स फॉर श्योर. और हमें फॉलो कर लो जैसे कि बताया साक्षी ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स में, क्योंकि हम ये सारी पिक्चर्स जो भी हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं अपने पहले यहाँ इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फिर कंटेंट बाकी का ये सारा यूट्यूब का बाद में आता है.
अभी इतना सही मौसम हो गया, एकदम मस्त वेदर हो गया है, सामने सनसेट हो चुका है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। बाकी यहाँ की वाइब जहाँ हम बैठे हैं पूरी मस्त, एकदम अमेजिंग वाइब है। लाइट्स वाइट सब कुछ ऑन हो गई है, ये काइट उड़ रही है यहाँ पे, बड़ी अमेजिंग सी, बहुत सही वाइब है यार, मतलब एकदम अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। डिम लाइट्स है, अच्छा सा स्लो लाइव म्यूजिक चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बीच साइड। मतलब ये रेस्टोरेंट में आई थिंक हमें पहले भी आना चाहिए था, जब हम 3 दिन यहाँ पे सेमिनी आकर रुके हुए थे, बट आ नहीं पाए क्योंकि हम लोग इधर उधर कहीं घूमने में बिजी थे, तो बहुत सही लग रहा है। ओके सो हम लोग आ गए हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, ऐसे थोड़े बहुत कपड़े देखता हूँ मैं, कुछ टी शर्ट्स वी शर्ट्स अच्छी लगती हैं जिम विम में पहनने के लिए। नासी गोरेंग ये बहुत खाया हमने यहाँ पे, फेवरेट, और बिंटैंग ये भी फेवरेट, सो लेट्स सी कुछ अगर मेरे को समझ आता है तो। ओके सो इस शॉप में है बैग, टोपीज, और भी बैग्स, और भी बैग्स, और भी टोपी, और भी बैग्स, और भी कपड़े, और भी कपड़े, और ये जिम वेस्ट, टी शर्ट्स, और भी ज़्यादा टी शर्ट सामने। ओके सो हम लोगों ने सामान खरीदा है, कुछ बैग वैग्स खरीदे हैं इन लोगों से। योर नेम? दानी। दानी बानी बांदी बांदी दानी बांदी आंद्रे आंद्रे। सो ये लोग हैं बहुत स्वीट, बहुत वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस गाइज, स्माइलिंग एंड वेरी पॉजिटिव गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अ गुड डील। सो कोई भी अगर आ रहा है तो शॉप नेम, शॉप नेम ZND shop नो ओके। सो कोई भी बाली आ रहा है और सेमिनिया का आ रहा है तो यहाँ पे जरूर आओ, आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। बेस्ट प्राइस दिस वन, ZND shop, कॉल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, एड्रेस, बेस्ट प्राइस, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। सो गाइज अभी हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, अपने लिए कुछ सामान खरीदा, अंशुम ने अपने लिए सामान खरीदा, एंड लिटरली सरोजनी नगर से भी ज्यादा शॉपिंग कपड़े, सही में सरोजनी से भी सस्ती टी शर्ट खरीद के लाया हूँ मैं, बहुत सस्ती, एग्जैक्टली बता भी नहीं सकता इतनी सस्ती है कि मतलब ऐसा भी नहीं है लेकिन 50 रुपए की भी नहीं थोड़ी बहुत सस्ती है लड़कों के साथ। यस तो अब हम बैठे ऐसे होटल में ही, होटल के बाहर का एरिया है, बाहर में थोड़ी देर बैठेंगे और हवा खाएंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है, एंड फिर रूम में जाएंगे, है ना अंशुम, क्योंकि अब ये लास्ट नाइट है हमारी बाली में, टच वुड होपफुली कल कोई एयर एशिया कांड ना करे, तो हम लोग कल चले जाएंगे वापस दिल्ली, और फिर कल से रात में जब भी हम लैंड करेंगे तो उसके बाद हमें ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, ठंडी ठंडी चिल्ड। सो बस अब बैठ रहे चिल करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। The next day. हाय गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है, चेकआउट का टाइम हो गया है, फ्लाइट पकड़ने का टाइम हो गया है, सो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, उठ गए हैं, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले सुबह के, सो हम लोग निकलने वाले यहाँ से, सामान वामान सब पैक्ड है ऑलमोस्ट, हाउसकीपिंग से बुला लिया हमने बंदा लगेज ले जाने के लिए, एक्साइटेड भी है और थोड़ा सा सैड भी है कि वेकेशन खत्म हो रहा है, बट जो भी था जितना भी टाइम स्पेंड करा, जो भी हमने एक्स्ट्रा 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करे अच्छे से करे, जो भी हमारी फ्लाइट फ्लाइट डिले हुई कुछ नहीं कर सकते थे उसका, ट्राई करा हमने कि कुछ हो जाए बट नहीं हो पाया, सो हम लोगों ने वो 2 दिन अच्छे से और अच्छे से एंजॉय करा, और बस अब टाइम आगे निकलने का और बस एयरपोर्ट जाएंगे एंड होपफुली अब कोई फ्लाइट डिले ना हो। साक्षी कुछ कहना चाहोगे आप? यही था ये सफर दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा सफर था हमारा, बहुत मजा आया, आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया, प्लीज कमेंट से बताना। और बाकी अभी हम एयरपोर्ट जाएंगे तो दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या है, मतलब एज इन क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे, जो जो हमारे साथ होता रहेगा वो बताते रहेंगे। सो बस अभी नीचे जाते फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं अगर टाइम मिल रहा है तो, और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। सो हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने फटाफट, और ये फॉग जम गया इसमें, साक्षी ने ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया है, चोको फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स एंड बटर भी है, तो मैं फटाफट देखता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं, गार्लिक बटर राइस, फ्राइड नूडल्स, पोटेटो वेजेस, सॉटे स्प्रिंग बीन एंड कॉर्न, ग्रिल टोमेटो, बेक बीन, फिश, स्वीटसा, चिकन सॉसेजेस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, फिर ऑमलेट है, ऑमलेट की वेराइटीज है, ये सर आपका सैलड वैलेट से रिलेटेड सामान हो गया, फ्रूट्स हो गए, चोको फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, क्रोइसॉन, बटर, चॉकलेट पेस्ट्री, मैं फटाफट लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें फटाफट निकलना भी है, और फिर मिलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट करके। सो ये मैं खा रहा हूँ क्रोइसॉन, फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स खा रहा हूँ, ऐसे मैंने चॉकलेट पेस्ट्री ले ली और 2 चिकन सॉसेज लिए, और ये कौन सा जूस है साक्षी? ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस फ्रेश, और आज तेरा वाटरमेलन भी है, खाते हो फिर मिलते हैं आपसे। सो कैब आ गई हमारी, लगेज रख दिया, बाय सी बाय। कौन सी है? उधर है। सो बाली की गलियों को बाय बाय करते हुए हम जा रहे हैं, फाइनली चेकआउट वेकआउट सब हो गया है, कैब में बैठ गए हैं साक्षी और मैं, कितना नॉस्टैल्जिक फील होता है अंशु, हाँ मतलब ऐसे सब कुछ याद आ रहा है कि हम आए थे अभी कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले आए थे और अब वापस जा रहे हैं, बाय बाय करते हुए, बाय करने का मन नहीं है बट सही में क्या कर सकते हैं, बाली हैज स्टोलन माय हार्ट, जाएंगे तो तभी तो कहीं और भी जाएंगे उसके बाद, सच में।
बस जाते हैं अब और फिर आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पहुंच के। तब तक आप अगर मैं कुछ इसके बाद ब्यूटीफुल से सिनेमैटिक शॉट्स डाल रहा हूँ रस्ते के तो एंजॉय कर लेना, अदरवाइज एयरपोर्ट जाके। सो हम लोग आ गए हैं अभी चेक इन काउंटर्स में, तो यहाँ पे है एयर एशिया का, कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ हमसे पहले दो लोग हैं और पूरा खाली है क्योंकि हम आ गए हैं 3.25 घंटे पहले। और वैसे भी एयरपोर्ट खाली दिख रहा है हर जगह, बाकी काउंटर्स भी खाली खाली हैं। देखते हैं चेक इन का क्या प्रोसेस है और पता लगता है अभी पता लगेगा कि हम जा रहे हैं इंडिया या नहीं जा रहे हैं, अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है। तो हम लोग जब चेक इन काउंटर से आए फिर यहाँ पे आपका बोर्डिंग पास आपको स्कैन करना होता है, ये डोर्स अपने आप ऑटोमेटिकली खुलेंगे और फिर आप आओगे यहाँ पे अपने बैगेजेस वगैरह। सो हम लोग जो मैंने आपको दिखाया अपने बोर्डिंग पास स्कैन करने के बाद सिक्योरिटी चेक हुआ हमारा और उसके बाद हमने इमिग्रेशन करवाया और इमिग्रेशन के बाद अब हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री, जहाँ से साक्षी देख रही है शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें, इसको ये पागल हो गई मेकअप देख देख के, इसको मजा आ रहा है। टॉम फोर्ड गिवेंची गिवोंची क्या बोलता है। क्या कह रही है इन्होंने सबके वो आगे पंप्स निकाले हुए कि लोग छिक छुक करके ना चले, लोग ओवर यूज ना करे। आई स्वेयर इसका है नहीं, या तो किसी का निकल तो नहीं क्या गलती से, बहुत होगा नहीं था। बहुत सही सही ब्रांड्स हैं यहाँ पे, सारी महंगी महंगी बातचीत, ऑल महंगी बातचीत, लाइक डियोर, क्लोई, क्लिनिक और कई कई तो मैंने सुने भी नहीं है, वैसे वैसे नाम है। सो एक दिल्ली करके जगह है, दिल्ली पता नहीं कहाँ पे। हेलो मिस्टर बोन्स कैसे हैं, बड़े टाइम से आप यहाँ खड़े हो। ये बंदा यहाँ पे सामान बेचने वाला वो था सेल्स बॉय, इससे कुछ बिका नहीं और ये यहीं पड़ा रहेगा और ऐसा इसकी हालत अब ऐसे हो गई है 400 साल बाद। साक्षी एक क्वेश्चन है तुझसे, व्हाई इज बॉबी ब्राउन? Is Bobby like brown color, so that's why everything is earthy and brown. Oh, अच्छा ये pink भी दिख रहा है मुझे तो। No, but look ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है pink. अरे Bobby का surname brown है यार। Oh, like that. So काफी लोगों की पसंदीदा जगह पे हम आ गए हैं, दारू की रेंज। ये देखो जितनी मांगोगे उतनी मिलेगी, बिंटैंग भी मिल रही है, बिंटैंग की कैंस भी मिल रही है। या बाली अल्कोहल, दिस वन वोडका, पेट्रोल वोडका, आवर बेस्ट सेलर नाउ दिस वन ईस्ट इंडीज। सो ये इनका बेस्ट सेलर है ड्राई जिन 4,70,000 सॉरी गलती होगी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लैक लेवल का रेट है यहाँ पे 12,88,000, IDR में दो मिल रहे हैं आपको तो ऑलमोस्ट 6,000 की दो पड़ गई। ब्लू लेवल का रेट है 39,60,000, 19,000 करीब की, 19-20,000 की। JD पड़ रही है आपको 4,60,000 की एक। बॉम्बे सफायर पड़ रही है 3,80,000 IDR, ये सारे IDR के रेट्स हैं। डैंस का वोडका ये 2,95,000, ये बॉटल अच्छी है ना। स्मिर्नॉफ पड़ रही है आपको 5,76,000 की दो पड़ रही है, और ये वाला दूसरा ब्लू वाला 3,60,000 का एक, ये सारे एक एक लीटर की बॉटल्स है। ग्रे गूस वोडका पड़ रही है 7,60,000 IDR, एब्सोल्यूट वोडका 3,45,000 IDR। सो ये लोकल इनकी बाली की वोडका है, पेट्रोल वोडका, इट्स फॉर 2,45,000 IDR। बिंटांग की आपको बियर की कैन पड़ेगी 330 ml, 2,20,000 का 6 का सेट है, ये यहाँ की लोकल बियर है। सो ये सेक्शन है अब चॉकलेट्स का, ये देखो ये कितनी सही है, देख हॉलीडे इन बाली चॉकलेट्स हैं सारी अंदर। सो ये वाला सेट है आपका 1,55,000 IDR, चार इसमें 100 ग्राम्स के अलग अलग फ्लेवर्स है, मेड इन बाली है। ये आपको पड़ेगी 4,45,000 की, ये 4,40,000 की, 5×45 ग्राम, 5 पैकेट्स हैं इसके अंदर 45 ग्राम्स के अलग अलग फ्लेवर्स। मोस्टली लोगों की फेवरेट होती है टॉब्लरॉन, तो ये इसका ऑफर चल रहा है, दो आपको मिलेंगे पैक 3,43,000 में। ये भी बहुत लोगों की फेवरेट है हर्शी, इसकी किसेस 1,65,000 में 46 ग्राम का पैक है, ये वाला 1,45,000 में। दोनों मिल्क चॉकलेट और क्रीम मिल्क चॉकलेट, ये डिफरेंस है इनका। डेरी मिल्क है 1,55,000 का आपका ये पाउच। सो यहाँ पे भी टॉब्लरॉन ही है पूरा ये सेक्शन, 2,45,000 का, 27 पीसेस होंगे, 272 ग्राम्स का पड़ेगा, 2,45,000 का है। लिंट बहुत फेमस चॉकलेट है, 2,55,000 का, 300 ग्राम का बार है ये वाला। सो ये है अल्कोहल बॉटल्स के स्टाइल में आपकी चॉकलेट्स, जैसे जिम बीम दिख रहा होगा आपको। सो ये आपको पूरा पड़ रहा है पैक 1,70,000 का।
ओके तो साक्षी खरीद रही है चॉकलेट्स, ये वाली नहीं, ये वाली। तो ये है पूरा यहाँ का फूड कोर्ट, अलग अलग ब्रांड्स के खाने की रेस्टोरेंट्स है। ड्यूटी फ्री से बाहर निकलो और यहाँ पे आके आप खाना वाना खा सकते हो। सो यहाँ पे हम आए हैं डब्ल्यू एच स्मिथ में और यहाँ पे सस्ती चॉकलेट मिल रही है। साक्षी, व्हाट इज विक्टोरिया सीक्रेट? Oops, careful. I think for that you'll have to take me to Paris. Why? Victoria lives in Paris. और उसका secret जानने के लिए हमें Paris जाना पड़ेगा. Trip sponsored by you. Thank you. या मुझे लगता है कि हमें अंदर जाना पड़ेगा Victoria का secret ढूंढने. अंदर कहाँ? Store के अंदर और कहाँ? Okay. ओके गाइस, मैंने कैमरा कैप्चर कर लिया बिकॉज अंशुम वॉशरूम गए, सो हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं एंड आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करूं कि एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या था। सो आप सबको पता है कि हमारी फ्लाइट 2 दिन डिले थी। हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे ना, हमें एक और शॉकिंग न्यूज़ मिली। वो क्या थी कि हम जैसे ही हमने चेक इन कराया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अब आपकी सुबह वाली फ़्लाइट नहीं है, लाइक 11 बजे सुबह की फ़्लाइट थी, तो हम 7 बजे पहुँच गए 4 घंटे पहले। तो वो कहते हैं आपकी 11 सुबह की फ़्लाइट नहीं है, अब आपकी 1:55 की फ़्लाइट है, लाइक 4 घंटे और डिले। We were like, यार कम से कम एक मेल तो करते, सब इन्फॉर्म तो करते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला लेकिन बहुत सारे लोगों का आया मेरे पास कि आप ट्वीट करो। अब मैंने ट्विटर पे भी डाला है एंड आई एम टैगिंग दी ओनर एज वेल। मैंने एयर एशिया के ओनर को टैग करा है कि एटलीस्ट अपना मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है लाइफ में विच इज़ फाइन, बट मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। इन्फॉर्म करो एंड अगर आप 2 दिन हमें फंसा रहे हो बाली में, क्या हमने तो मज़ा किया। जस्ट मैं आई हैव टू शो यू व्हाट वी ऑर्डर्ड। Oh wow, almond croissant, mochaccino. Thank you. So I was like कि अगर हमने 2 दिन के लिए आपने फंसाया है ना, आपकी वजह से वो है, at least you should pay the compensation. अब मुझे भी मेरे काम था, मेरी ब्राइड थी, मुझे ब्राइड को आर्टिस्ट में शिफ्ट करना पड़ा, एक को कैंसिल करना पड़ा, सो हमें वी आर लाइबल टू पे द रिफंड, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर तुम्हारी वजह से हो रहा तो, बट कुछ नहीं हुआ। बाकी चलो मैं ट्वीट करती रहूँगी, मेल करती रहूँगी, मैं अपना लगी रहूँगी, देखते हैं क्या होता है। बस अब हम बैठे हैं यहाँ पे 5-7-8 घंटे निकालने हैं। सो ओके, सो हम लोग अब खा पी के आ गए हैं अपने गेट पे। तो गेट हमारा है पूरा खाली और हम बैठ गए ऐसे बेंच पे, लेट गए। साक्षी आराम कर रही है और हम लोग पता है कितनी देर, कितने अभी कितने बजे, 10 बजे हैं, 11, 12, 1, 2, ऑलमोस्ट 4 घंटे हैं अभी हमारे पास, क्योंकि फ्लाइट 3 घंटा डिले है। क्या करेंगे अब, चिल करेंगे यहाँ पे, लेटे रहेंगे ऐसे सामने प्लेन्स को जाता हुआ देखते रहेंगे, क्योंकि ये रनवे है सामने, और ऐसे ही टाइम पास करेंगे अपना। क्या कर दिया एयर एशिया भाई। बैठे बैठे हमें 1.5 घंटा हो गया है और 1.5 घंटा और बचा है, 12 बज गए हैं, तो अभी 1:30 बजे का डिपार्चर है। 1:35, पहले 1:55 बोल रहे थे, अब बोल रहे 1:35 का डिपार्चर। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये देश हमने। यहाँ पे सीट्स के पास इन्होंने चार्जिंग पॉइंट दे रखा है बट एक भी नहीं चल रहा। मैंने 1000 सीटों को देख लिया, फिर मेरे को जाके वहाँ पे एक टेक अवे कॉफी वाला था, वहाँ पे जाके अकेला बैठना पड़ा अपनी बीवी को छोड़ कर। कितना दुख हुआ मुझे, और मेरी बीवी को देखो बेचारी रो रही है तब से अकेले अकेले। तो अब हम साथ में बैठ गए, अब हम साथ में ही जाएंगे सीधा, कुछ खाने भी भूख लग रही है मुझे। हाँ टेक अवे करेंगे जो भी, या कुछ कॉफी वॉफी पी ले, कॉफी भी नहीं है गर्मा, बट आगे का सामने का व्यू मस्त लग रहा है। हाँ। आपने इससे पहले वाली क्लिप्स में देख लिया होगा ऐसे जब प्लेन जा रहा था, वो टाइम लैप्स या जो भी नॉर्मल शॉट मैंने डाला है। ये तो सो जाएगी इसको, तो इसके छोटी सी पैर वैर आ जाते थे, मेरे को दिक्कत होती, मैं सो भी नहीं पाता, इसलिए मैं अपना वो आईपैड चार्ज कर रहा था, इसीलिए मैं बैठा था दूर इससे कि कम से कम मेरे को नींद नहीं आएगी, तो मैं आईपैड तो देख लूंगा अपना, मूवी वूवी लगा लूंगा उसमें। कोई स्ट्रगलिंग है लाइफ। ओके सो अभी हम आए हैं ईट स्लीप ट्रैवल रिपीट में, कोई पता नहीं, आई थिंक इसी नाम की जगह है। ओके सो मैंने लिया है चिकन मोजरेला क्रोसों और साक्षी ने लिया है ये क्या नाम है इसका, बुराता क्रोसों, ये वेजिटेरियन है। बाकी हमने लिए हैं 2 मिनी आलमंड क्रोसों बिकॉज आलमंड क्रोसों इज अमेजिंग। ऐसी कुछ वैरायटी है इनके पास।
सो फाइनली हमारा एयरक्राफ्ट आ गया जो कि खड़ा हुआ है. तो अभी डीप क्लीनिंग चल रही है, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह होगी और फिर हम लोग बोर्डिंग करेंगे. ओके सो फाइनली टाइम आ गया है, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है. फिंगर्स क्रॉस्ड हैं क्योंकि अब होपफुली हम जा ही रहे हैं. दिल्ली पता नहीं कब पहुंचेंगे बट कुआलालंपुर तो हम निकल जाएंगे क्योंकि लाइन लग चुकी है यहाँ पे. जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी लाइन लग चुकी है हमारी फ्लाइट के लिए ही है. आई थिंक क्लीनिंग वगैरह चल रही है और उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद की अपडेट दूंगा मैं आपको फ्लाइट पे जाकर. ओके सो नेक्स्ट अपडेट ये है, जो हम खुश हो रहे थे कि हमारी फ्लाइट आ गई और हम बोर्ड करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. फ्लाइट 1.5 घंटा और डिले हो गई है. हमारा एयरक्राफ्ट सामने खड़ा हुआ है. तो हमारा 135 का डिपार्चर था, ये सॉरी 125 का डिपार्चर था और अब वो हो गया 255 का डिपार्चर क्योंकि अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है और हम लोग बड़े मजे से लाइन में जाके लगने वाले थे. उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि भाई अब जो आपका डिपार्चर है वो 255 का है. सो हम लोग आ गए वापस अपने बेड पे लेट रहे हैं. पता नहीं क्या हो रहा है भाई, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम लोग आज, मुझे समझ नहीं आ रहा. और 2:55 की यहाँ से फ्लाइट है साक्षी, उसके बाद हमारा 7:15 की वहाँ से फ्लाइट है. पता नहीं कनेक्टिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. वो मिस होगी तो फिर क्या करेंगे. अब जैसी कुछ और अपडेट मिलता है आपको बताते हैं. मतलब भाई एयर एशिया मत फ्लाई करना इंटरनेशनल के लिए. डोमेस्टिक का मुझे नहीं पता बट इंटरनेशनल तो भाई घटिया सस्ती आती है बट बेकार सर्विस है भाई. डिले करते ही करते, आते हुए भी डिले था और जाते हुए तो इतना ज़्यादा डिले हो रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता. डोंट फ्लाई एयर एशिया प्लीज. One eternity later. सो फाइनली बोर्डिंग हो गई है. जो भी इनका टेक्निकल स्नैक था, टेक्निकल दिक्कत थी, वो ठीक हो गई है और अभी इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट कर दिया हमारे. फाइनली 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 फिर से साक्षी और मुझे मिली है इमरजेंसी एग्जिट सीट बट उसकी आई लव मेरी भी आई लव. ए लिटिल लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर. कुआलालंपुर पहुंच गए फाइनली. 3 घंटे की फ्लाइट टाइम था और हम जा रहे हैं फटाफट इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए. दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने और सिक्योरिटी चेक वगैरह भी करना है. सो बस चाहते हैं पहुंचते हैं. जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन लग जाएगी. तो भाई टाइम तो बहुत है हमारे पास. तो ये है मलेशिया कुआलालंपुर का एयरपोर्ट. काफी बड़ा है और काफी अमेजिंग से शॉप्स और सब कुछ है. यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है, ये सारा सिक्योरिटी चेक हो रहा है. अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ. हमारा है P8. बहुत चलना पड़ रहा है भाई, बहुत दूर है गेट. P9 P6 सब आ गए, P11 भी आ गए. देखिए देखिए और P8 पता नहीं क्यों आगे बना रखा है. फाइनल कॉल है, लाइन लगी हुई है. फाइनल कॉल क्या किस बात की. सो हमने फाइनली प्लेन बोर्ड कर दिया है. क्या टाइम होने यहाँ पे लोकल, अभी पता है 7:15 है ना, तो हमारे 6:30-7:30 हो रहे हैं अभी यहाँ पे लोकल टाइम मलेशिया का. और दिल्ली में अभी हो रहे होंगे 4. हम लोग पहुंचेंगे अभी, ये 5-5.5 घंटे की फ्लाइट है, वही 10:30 तक. बस देखते हैं अभी क्या होता है इस फ्लाइट पे. बाकी हमने जूसेस ले लिए, क्रोसॉन साक्षी खा चुकी है मेरे सारे. बस अभी बोर्डिंग चल रही है. जैसे बोर्डिंग कंप्लीट होगी फिर हम निकलेंगे यहाँ से. कुछ अगर रास्ते के शॉर्ट्स वॉट्स अच्छे आ रहे होंगे विंडो से वो मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि साक्षी की विंडो सीट है.
फाइनली दो दिन बाद घर, 6 को आने वाले, ऑलमोस्ट 9 ही हो गए, 12 के 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। 3 दिन बाद घर पहुंचे हैं और 15 घंटे से हम एयरपोर्ट पे। सही में यार थक गए ना, चल कोई नहीं।